एके मिश्रा जी हमारे साथ इस बीच एक और मेहमान जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एके मिश्रा जी, पहली प्रतिक्रिया एक दुखद समाचार को लेकर। देखिए, ये बहुत दुखद समाचार है। जो भी लोग शहीद हुए हैं देश की सेवा में, उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि देश की तरफ से। और यह एक अपूर्णीय क्षति है। अपूर्णीय क्षति मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मॉडर्न वॉरफेयर में आप ये देखिए कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर से हमारी स्ट्रेटजी शिफ्ट हो रही थी हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ, जहां स्पेस और साइबर जो वॉरफेयर होता है और तीनों अंगों में कोऑर्डिनेशन और कुछ स्पेशल जो है फोर्सेस के भीतर जो है कोऑर्डिनेशन, ये एक पहला काम था जो अपने देश में पहली बार ये चीज बिपिन रावत जी को जो है सौंपा गया था। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी, बहुत सक्सेसफुली वो कर रहे थे और सबसे ज्यादा ऊर्जा और कॉन्फिडेंस का संचार उन्होंने किया था। मुझे याद है जब उन्होंने बोला था कि टू फ्रंट नहीं, हम ढाई फ्रंट पे वॉर लड़ने के लिए हमारी सेना सक्षम है। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के जितने भी नागरिक थे वो कितने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम सुरक्षित है। तो मुझे ये लगता है कि शायद देश को अभी उनकी बहुत जरूरत थी अपना जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए अपने आप को तैयार करना, देश को तैयार करना। और इसलिए मैं इसको अपूर्णीय क्षति मानता हूं क्योंकि जिस हिसाब से वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए, हमने जस्ट शुरुआत की थी। कुछ दिन अगर उनका सानिध्य या देश की सेवा के लिए अगर कुछ सालों तक वो और रहे होते, हालांकि ये दुखद है, आदमी को नेचुरल अपनी मौत से मरना चाहिए था, तो शायद जो है रक्षा के मामले में आमूलचूल परिवर्तन और हमारी सेनाएं या सुरक्षा व्यवस्था एकदम अभेद्य किले में बदल जाती। वाकई वाकई ये बात ठीक है और इसी को लेकर हम लगातार सवाल भी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी की क्या स्थितियां ऐसी बन जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर कि एक ऐसा विमान जो अपने आप को साबित भी कर दे, चाहे वो कारगिल का युद्ध हुआ हो उस वक्त उसने अपने आप को साबित किया, लेकिन उसी विमान में खुद देश के प्रधानमंत्री भी चले, लेकिन वही विमान जो है सीडीएस बिपिन रावत के लिए काल भी बन गया, इसको ऐसे भी क्या देखेंगे क्या? क्योंकि कुछ जानकारियां ऐसे भी मिल रही थी एके मिश्रा जी कि पहले उससे क्रैश होने से पहले कोई बड़ा धमाका होता है, फिर वो क्रैश होता है हेलीकॉप्टर, ऐसी इनपुट है, हालांकि पुष्टि नहीं है इस पर कुछ भी। थोड़ा सा जो है मैं किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन एक जो एनालिसिस हो सकती है, देश में एक पुराना इतिहास रहा है। आप ये देखिए, होमी जहांगीर बाबा एटॉमिक जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनके साथ साथ हम जब किसी एक नए मुकाम पे देश को मजबूत बनाने के लिए पहुंचते हैं ना, तो किसी न किसी ऐसे इंपॉर्टेंट आदमी या टैलेंट के साथ ये हादसा हो जाता है। मैं समझता हूं भारत सरकार को इस पे बहुत गंभीर वो लेना चाहिए, उसके पीछे कारण है। जिस हेलीकॉप्टर पे वो थे MI-17V5 जो है वो वेल प्रूवन है और पूरी दुनिया में उसकी दहशत रहती है। ऑल टेरेन आर ऑल वेदर जो है वो परफॉर्म करने के लिए जाना जाता है, डे नाइट हिली रेन हर चीज के लिए। जिस एरिया में ये जा रहे थे उस एरिया वो हिमालय की तरह इतना ऊंचाई नहीं है या तिब्बत के पठार की तरह जहां पे ऑक्सीजन की डेंसिटी बहुत कम हो जाए। और रही बात अगर पेड़ों से टकराना, ये सब तो उसमें ऑलरेडी इतनी टेक्नोलॉजी लगी रहती है कि इतने लो हाइट पे कोई भी विमान जो है वो उड़ान नहीं भरेगा कि वो टकरा जाएगा। इसको ऐसे एनालाइज आप करिए अगर आपको चीजें वाकई में वो करना है। देखिए, विमान हादसे के क्रैश जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन, वो दो तीन रीजन होते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए मैकेनिकल क्या हो सकता है, ऑपरेशनल और टेक्निकल। आप ऑपरेशनल को पहले लीजिए। मैं नहीं मानता हूं कि एयरफोर्स या मिलिट्री का जो दस्ता है वो उसके रख रखाव में कोई कमी करता है। ये कोई प्राइवेट चुनाव के उसके लिए किराए पे देने वाला जो है विमान नहीं था और ये मल्टीपर्पज वो था, वॉर के लिए भी यूज किया जाता था, ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता था। जब इतने बड़े अधिकारी जा रहे हैं तो डेफिनेटली हर तरीके से उसको फिट रखा जाता है, उसकी प्री चेकिंग की जाती है हर वाहन के पहले। मैकेनिकल अगर आप देखिए तो वो बात भी कले से नहीं उतरती है कि MI-17 हेलीकॉप्टर V5 मैकेनिकल उसमें कोई खराबी आए, क्योंकि पीरियोडिक रिव्यू होता रहता है कि मैकेनिकल अगर कोई खराबी है तो उसको चेक करके उन पुर्जों को बदला जाता है या वो किया जाता है। अब उसके बाद टेक्निकल देखिए, टेक्निकल चीजें भी इसमें इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि स्पेशली जहां बड़ा नॉर्मल नीलगिरी की पहाड़ियों पे तो हम भी गए हैं, ये पठार है सर, ये कोई पहाड़ नहीं है। जहां पे नॉर्मल एयर टेम्परेचर वगैरह एयर डेंसिटी वगैरह रहती है, कोई रिस्क की बात नहीं है कि वहां पे कोई ये चीज हो जाए। ये वाकई में बड़े दुर्भाग्य की बात है और खुले दिल से और बहुत सेंसिटिव तरीके से इसकी जांच की जानी चाहिए। जो क्षति हुई वो अपूर्णीय है, लेकिन ये एक सीरीज में कहीं ना बदले, आगे भी कहीं ऐसा ना हो, इसका तीनों लेवल पे जांच किया जाना चाहिए। बिल्कुल, उसका इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे कम से कम। एके मिश्रा जी इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं, फिर आरपी उपाध्याय जी आ रहा हूं आपके पास।
कहिए क्या देखिए, सर। हमारे जो मित्र बोल रहे थे डेफिनेटली हम उनकी बात से सहमत हैं। दूसरी चीज है ना कि ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल एक ही यही एमआई जो है विमान था, जो है एक पूरा का पूरा फ्लीट जो है रेडी है यहाँ से, और जो कि बहुत ही यूज किया जाता है, मतलब हर चीज के लिए, इवन पीएम मोदी वगैरह भी इन सब चीजों में बिल्कुल जो है ट्रेवल करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम किसी टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करें, ये कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी। G5 जो वर्जन था ये बहुत आप MI-17 का ओरिजिन से लेके 1975 या 72 में हुआ तब देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा इसमें जो है टेक्निकल मॉडिफिकेशन हुए हैं, उनके अपग्रेडेड वर्जन आए हैं, तो ये भी एक अपग्रेडेड वर्जन था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये अपूर्णीय क्षति हुई है, हालांकि इस चीज पे कभी डिस्कशन नहीं हुआ है। जनरल जो है सीडीएस, जो अपने सीडीएस साहब थे विपिन रावत जी, इनकी जो स्ट्रेटजी थी, हालांकि ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन जिस हिसाब से इनका कोर्स ऑफ एक्शन था और जिस हिसाब से ये अपनी अपने देश की रक्षा व्यवस्था करना चाहते थे, इनका क्लियर कट मोटो था कि आगे आने वाले कुछ सालों में भारतीय रक्षा सिस्टम या भारतीय सेना ऐसी हो जाए कि एटलीस्ट 1:4 की कैपेबिलिटी हो जाए। 1:4 का मतलब कि आपसे 4 गुना जो है ज्यादा ताकतवर अगर देश हो तो आप उसको भी फाइट करके हरा सके। आपने देखा होगा हम लोग और सीडीएस साहब या मिलिट्री के और एक्सपर्ट बोलते थे, लोग क्वेश्चन उठाते थे कि भाई चाइना से हम नहीं जीत पाएंगे, ये है वो है, बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से वो लोग और दूसरे लोग बोलते थे कि भाई हम 2.5 फ्रंट 3 फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उसके पीछे रीजन ही ये था। देखिए 2.5 फ्रंट का सीधे से मतलब हो गया कि आपकी मिलिट्री 2.5 टाइम अपने से ज्यादा पावरफुल इनिमी से जो है लड़ सकती है और उसको शिकस्त दे सकती है। लेकिन वॉर स्ट्रेटजी में देखा जाए, जिस हिसाब से ये शिफ्ट हुआ, देखिए पहले फ्रंटल वॉर होता था, आमने सामने दो सेनाएं थी, हजारों साल तक यही तरीका चला, अब ये नहीं है। अब वार आपकी साइबर में होगी, साइबर के ऊपर भी स्पेस में भी होगी, और स्पेस से भी ज्यादा जैसे कश्मीर में आप देखिए आपके सड़कों पे वार होगी, जो गद्दार लोग होंगे वो सड़कों पे होंगे। इन सारे खतरों को देखते हुए टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे लेकर के जाना और उस हिसाब से पूरे सेना को इक्विप करना, कोऑर्डिनेशन तीनों में डेवलप करना, और उसके बाद अगर इंटरनल कोई ऐसी सिक्योरिटी की थ्रेट आती है तो उसके लिए भी सेना को तैयार रखना, तो अपने देश की सेना को, सुरक्षा व्यवस्था को वो इतना अभेद्य बना रहे थे कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू में देखा जाए तो 1:4 to 1:6 or 7 का रेशियो ये डेवलप करने वाले थे। चाइना के साथ जो हमारी गलवान में झड़प हुई थी, अगर हिली एरिया पे तो इनिमी की फौज अगर वो हाइट पे है, जैसे कि आपका कारगिल में हुआ था, तो वहां से 1:6 का जो है डिप्लॉयमेंट, यानी आपकी पावर जो है 6 टाइम बेटर होनी चाहिए इनिमी से, तब जाकर के आप उसको वहां पे फतह हासिल कर पाते हैं। तो इतना पावरफुल उनका विजन था, इसलिए मैं इस क्षति को अपूर्णीय मानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि इसकी बहुत गहराई से जांच हुई एक एक पॉइंट का, और पब्लिक के सामने भी शायद है भाई ऐसा क्या हुआ। हम सबके प्रिय थे, हम सबके लिए वो एक बहुत बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट थे, हमारे देश के सर्वोच्च कमांडर थे। ठीक है, एके मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, एके मिश्रा जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। मैं जनरल रावत, देश को एक ऐसे सपूत मिले थे ना कि सौभाग्य से जो है कई सालों में, सदियों में ऐसे सपूत मिलते हैं। जरा हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, भारत के पास सेना की कमी नहीं थी। मैं 1000, 2000, 4000 साल पहले से अगर हिस्ट्री की बात करें, बहुत बड़ी सेना थी, भारत के पास वीरों की कमी नहीं थी, अपने प्राणों की आहुति देने वालों की कमी नहीं थी। जितने मेजर वार हम हारे हैं, चाहे अंग्रेजों से या मुगलों से, वहां पे कमी एक ही थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया समय के हिसाब से, सेना के विभिन्न अंगों में, सारे सैनिकों में, सप्लाई में, इन सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। जनरल विपिन रावत जी ने सबसे पहले हजारों साल में पूरे भारतवर्ष की सेना पे माइक्रो लेवल पे जो है कोऑर्डिनेशन की जो जरूरत थी वो इस्टेब्लिश करने का काम अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में पहली बार जो है जनरल रावत जी के सोच के कारण ये शुरू हुआ था, और इस पे लगभग हम बहुत काम कर चुके थे। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा था, ज्यादा नहीं 5 से 10 सालों के भीतर कि वन ऑफ द बेस्ट जो है मिलिट्री सिस्टम हमारा होता, चाहे बायोलॉजिकल वार हो, चाहे कैंप, मतलब युद्ध लड़ने का कोई भी एक तरीका उनसे छुपा हुआ नहीं था, चाहे छद्म युद्ध हो, चाहे अर्बन वार हो,
चाहे गुरिल्ला वार हो, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्पेस वार हो, बायोलॉजिकल वार हो, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया था। और ये इसीलिए इतना ज्यादा दुखद है कि जब हम आमूलचूल परिवर्तन करके दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे तो उसी वक्त ये घटना हो गई। अब ये घटना हो जाने का नुकसान ये होता है कि बहुत सारी चीजें प्लानिंग जो उनके दिमाग में थी, सारी चीजें प्लानिंग जो है आदमी हर वक्त जो है उसको पेन डाउन करके पेपर पे नोट करके नहीं रखता है, वो दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, आइडिएशन आइडिया रहता है, वो आइडिया भी एक तरीके से देखिए इस दुखद मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश को और भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक टैलेंट को पैदा करने में भारत सरकार या देश को बहुत समय लग जाता है, वो भी बिपिन रावत जैसे टैलेंट को जो देशभक्त हो, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हो, समर्पित हो देश के लिए, हमारा बहुत बड़ा रिस्क। मिश्रा जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो चेतावनी या फिर ये जो एक अलर्ट किया था बिपिन रावत ने कुछ दिन पहले का ही जिक्र कर लें कि जैविक युद्ध होने की संभावना है इस बार, तो अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही होगा, इसको कैसे देखें? देखिए मॉडर्न वॉरफेयर में मैं आपको बताऊं जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, अभी आप ये देखिए बस कुछ सालों की बात है, फर्स्ट फेज ऑफ जो वार होगा वो तो अभी भी होता है 1970 के पहले भी, आप ये देखिए 70 या ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट फेज ऑफ जो अटैक होता है वो टेक्नोलॉजिकल होता है। अब बायोलॉजिकल तो बहुत पहले होता था, लेकिन एक कन्वेंशन में ये समझौता हुआ कि बायोलॉजिकल वॉर या बायोलॉजिकल वीपन कोई यूज नहीं करेगा, बायोलॉजिकल वॉर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सब उसकी हिस्ट्री है, बहुत लोगों ने उसको यूज किया है, बहुत देशों ने, वो तो बैन कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें थी नहीं, ये 1971 के वार में भी देखिए राडार वगैरह को जाम करना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में राडार वगैरह को यूज करना, उनको जाम करना, ये सारी चीजें जो होती है ये तो टेक्नोलॉजिकल वार होती है, वार करने के पहले ही ये सारे प्री वॉर कंडीशंस जो होती है, प्री वॉर अटैक होती है, इन्हीं सब चीजों को तो वो भेज रहे थे, इन्हीं सब चीजों को तो वो ऐसा बना रहे थे देश में कि ताकि कोई भी दुश्मन चाहे वो हमसे चार गुना ज्यादा बड़ा क्यों ना हो, किसी भी मोर्चे पे वो हमको भेज ना पाए, चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे टेक्नोलॉजिकल हो। इसलिए चूंकि वो एक आमूलचूल परिवर्तन के प्रणेता थे, उनके साथ मैं इसीलिए बहुत गंभीर हूं इस चीज को लेकर के, भारत में हजारों साल के इतिहास में पहली बार वो चीजें ऐसे इंप्लीमेंट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, इन रियल टर्म ही वाज अ रियल मैन फॉर स्ट्रेटेजिक मिलिट्रीशिप या चेंज के लिए, टेक्निकल उसमें देखा जाए मिलिट्रीशिप जो होते हैं वॉरशिप उसके लिए, और टेक्टिकल भी देखा जाए और ऑपरेशनल भी देखा जाए, ये उनके ऑपरेशनल जो है प्रतिभा का कमाल था कि वो ऑपरेशंस को जो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इम्प्रूव किया, उसका परिणाम आपको गलवान वगैरह में, भारत में इतने जल्दी से चाइना के बॉर्डर पे डबल या मिरर डिप्लॉयमेंट करते जो चले गए जिसके कारण चाइना पीछे चला गया, ये सब उन्हीं के दिमाग की तो उपज थी, और इतने कम समय में उन्होंने मिलिट्री को इतना कैपेबल बना दिया था कि जहां रोड नहीं है कुछ नहीं है वहां पर भी वो अपनी इंडियन आर्मी जो है डिप्लॉय कर रही है तुरंत, ये उनके कामों का नतीजा था। हाथ कंगन को आरती क्या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उन्होंने तो ये करके दिखाया है, इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हालांकि विपक्ष की ओर से इसी को लेकर सवाल खड़े होते रहे कि चीन जो है केवल डायलॉग चलता रहता है, चीन बाहर जा नहीं रहा, हमारी सीमा के अंदर दाखिल होता चला जा रहा है, वो तो ये इसको लेकर सवाल उठाता रहा है विपक्ष लगातार। नहीं जी देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, पहले भी जो है होते थे, अगर समस्याएं बहुत पुरानी है, फर्क एक बहुत, जब से बिपिन रावत जी मतलब ये अध्यक्ष वगैरह बने थे, सीडीएस के हेड बने थे, एक बड़ा माइक्रो लेवल पे और लेटेंट है, मतलब वो सब लोगों को दिखेगा नहीं, जो जिनको क्रिटिसाइज है वो करेंगे। देखिए शिफ्ट क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, दो तरीके की स्ट्रेटजी होती है, एक होती है अटैकिंग स्ट्रेटजी हमेशा ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है, जिसने पहले अटैक करके ध्वस्त कर दिया, इसराइल की 6 डेज वार चली थी, वहां पे आप देखिएगा क्या स्ट्रेटजी थी, उसके जीत के ज्यादा चांसेस होते हैं। पहले हम डिफेंसिव रहते थे, कोई अटैक करेगा तो जी हम लड़ेंगे, उसमें हमारी कैजुअलिटीज ज्यादा होती थी। आप मुझे ये बताइए, कश्मीर के मुद्दे को 370 हटाया, उसमें मिलिट्री फोर्सेस का इतना बड़ा रोल रहा, खून की एक बूंद तो छोड़ दीजिए, एक बूंद पसीना भी नहीं गिरा किसी का, ना जनता का गिरा, ना दुश्मन का, ना किसी का गिरा। तो ये सब कैसे है, ये सब जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट वो ला रहे थे, वो सारी चीजों को एक अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं ना, कि अम्ब्रेला मतलब कि
एक पूरा शेडो वो देश के ऊपर अम्ब्रेला इस तरीके का कर रहे थे कि किसी भी तरीके का कोई खतरा आए पूरा देश, इवन इंक्लूडिंग मैं एटॉमिक वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ उसके लिए भी, ये जितने सारे आप देखिए मिसाइल्स वगैरह हम लोग खरीद रहे हैं एयर टू एयर या सरफेस टू एयर के लिए, ये सब उन्हीं के दिमाग की तो स्ट्रेटेजिक उपज है, स्ट्रेटेजिक टेक्निकल और ऑपरेशनल पर सही दिशा में सही तरीके से काम होना चाहिए। कि मिश्रा जी लास्ट कमेंट आपसे लेता हूं और ये समझने की कोशिश, क्योंकि डिफेंसिंग मोड से हम बाहर निकले, आक्रामक मोड में हम आए, फ्रंट फुट पर हमने खेलना शुरू किया और यही नतीजा है कि चीन और पाकिस्तान आंख तरेर के खड़े होते नहीं है, अब हम आंख तरेर के खड़े होते हैं, ये स्थितियां विपिन रावत ने ला दी थी। उसी सीट पर किसको देखते हैं, क्या ऐसी स्थितियां हैं कि इस मोड को आगे बरकरार रखा जा सके हिंदुस्तान के अंदर उसी आक्रामकता के साथ? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, वॉर अपने आप में, वॉर कंडक्ट करना या मैनेज करना एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारी विधाएं होती हैं, वो बहुत डिटेल टॉपिक है, तभी उस पर बात होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो है अब हम जो है कमजोर हो गए या फिर डिफेंसिव मोड पे हमें वापस जी जिस रास्ते पे के हैं उस रास्ते पे हमको सदैव आगे बढ़ते रहना है। चुनौतियां हमारे पास, भारत सरकार के पास, 120 करोड़ की जनता के पास बहुत रही है। आप याद करिए इसरो का पहला रॉकेट चुनौती थी, हम साइकिल पे लाद के लेके गए थे, आज इसरो जो है नासा से आगे बढ़ गया है। चुनौतियों का सामना करना हमें आता है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट और वीरों की कमी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बोलूंगा कि एक टैलेंट को बनाना कितना मुश्किल है, उससे ज्यादा भी मुश्किल होता है उस टैलेंट को सेफ रखना, क्योंकि टैलेंट की सबसे बड़ी जरूरत होती है सेफ्टी। अगर वो सेफ नहीं है तो वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर कोई उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई या कोई उसके मन में इस तरह का उहापोह चल रहा है, तो हमारे वैज्ञानिक और जितने सारे लोग हैं वो काम कैसे करेंगे? कहीं पे भी हमें जो है बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है, हम बहुत स्ट्रांग हैं। एंड थैंक्स टू बिपिन रावत सर को कि वो जाते जाते देश को एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना करके दे के गए हैं, एक ऐसा लेआउट बना के दे के गए हैं कि हमें डरने की किसी से भी जरूरत नहीं है, चाहे हमारा दुश्मन चाइना हो, चाहे हमारा दुश्मन पाकिस्तान हो, या दुनिया की और कोई भी महाशक्ति हमारा दुश्मन हो। इस हिसाब से उन्होंने फुटप्रिंट जो है बना करके देशवासियों को दे के गए। आपको मैं बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त की कमी है, चर्चा के नाम